उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मंदिर की दीवार पर लगी आधारशिला को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उस पर मुस्लिम नाम लिखा था। इस घटना का वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति दीवार पर लगी शिला को हथौड़े से तोड़ता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक घटना मंगलवार 29 जून की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधारशिला तोड़ने वाला व्यक्ति किसी हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता बताया गया है। वाटर कूलर लगवाने वाले सलमान शाहिद का कहना है कि हमने मंदिर कमेटी के कहने के बाद वहां पर वाटर कूलर लगवाया था क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो ये सब होता रहेगा। खैरेश्वर महादेव मंदिर जो है हमारे अलीगढ़ मंडल में आस्था का प्रमुख केंद्र है। हम भी उस मंदिर में आस्था रखते हैं। वहाँ पानी का भीषण संकट था, उसी को देखते हुए हमने मंदिर समिति से और मंदिर के जो महंत हैं उनसे वार्ता कर एक वहाँ प्योरीफाई वाटर कूलर लगवाया था जिसका लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने किया था। मंदिर समिति के सभी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत सराहना की उस कार्य की और आज आपके माध्यम से मुझको पता चला कि शिला पट्टिका तोड़ दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच पर काम करता हूं। हम लोग जोड़ने पर विश्वास करते हैं, तोड़ने पर विश्वास नहीं करते। मंदिर को वाटर कूलर दान देने के बाद वहां दीवार पर यह आधारशिला बनाई गई थी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने आधारशिला को हथौड़े से मार मार कर तोड़ डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी स्थिति में मंदिर के अंदर किसी मुस्लिम नाम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मामले में हिंदू महासभा भी कूद पड़ी है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि किसी भी मंदिर में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जिस तरह से खिरसौर धाम मंदिर में पानी की टंकी लगाई गई और वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश दिलाया गया, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता के पुजारियों का काम है। ऐसे पुजारियों को सनातन की समझ होनी चाहिए। सनातन धर्म स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इस बीच मंदिर कमेटी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लोधा थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।